पडरौना के बस अड्डे पे हैं और इसकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। देखेंगे तो बरसात के मौसम में इतना यहाँ पानी गिर जाता है और भर जाता है कि इसमें जाने लायक नहीं रहता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ के यात्री और यहाँ के डिपो का जो संचालक होता है, साथ ही ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स, इन सबको बहुत ही दिक्कत होती है। आप देखें, आपको यहाँ से पता चलेगा कि यह इसकी हाइट कितनी है, देख रहे हैं ना, ये इसकी हाइट है, यानी बस अड्डा और इसकी हाइट आप देखें तो कितनी अंदर है, रोड का हाइट और बस अड्डे पे जहाँ हम खड़े हैं लगभग एक कमर बराबर इसकी है। अगर आप जो भी नेतागढ़ हैं, जो भी है, इसके रख रखाव, इसकी सुविधाओं को देखते हुए, देखिए सरकारी चीज़ें हैं लेकिन सरकार इस पर थोड़ा सा भी फोकस कर देगी तो और बेहतरीन तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पर सारा जो भी है खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पे कैंटीन टाइप में है, लेकिन ये भी कैंटीन चलता नहीं है, ना ही यहाँ पे यात्री बल्कि रुकने की अच्छी व्यवस्था है। तो आप से अनुरोध है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा। और चीज़ देखिए, पडरौना बस डिपो का ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे और इसकी जर्जर हालत देख के आपको समझ में आता होगा, तो आप प्लीज़ मेरी बातों को समझो और इससे जनमानस के हित के लिए पहुँचाएं। जय हिंद। अभी हमारा बच्चा भी है, देखिए ये आया हुआ है, ये गाड़ी में किसी और, अरे अरे अरे, बंदर देख के ये खुश है। तो आपको मैं ये कहूँगा कि इसको देख सकते हैं, ये पब्लिक पैलेस नहीं के जैसे इसका यूज हो रहा है। अब इसको आप ध्यान दें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि इसके अलावा कौन सा वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, थैंक यू आप सभी को। बाबू बाय बोल दो, बाय बोल दो कमल, बाय 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 बाबू, वो कर दो, प्लान किस दे दो और बोल दो पाती। आइए आइए, हाँ मैं इंतजार करूँगा, बाय बाय। ये हमारी भतीजी और ये मेरे बड़े भाई कमल, मेरा भतीजा एक है वो छुपा हुआ है। थैंक यू।